सारा भाई राम राम। मैं सुनील थे देख रहे हो किसान फोक्स चैनल। सन्नी समाज आरक्षण ने लेके धरना पर बैठे है, तो एक मायने जो उदयपुर वाटी है इधर नांगल टोल कने भी सन्नी समाज का लोग बैठे ही, तो आऊं बातचीत करा। अजय कुमार सैनी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय सैनी सभा झुंझुनू। हम यहाँ पे नांगल टोल के ऊपर सभी लोग उपस्थित हैं। हम 12% अलग से आरक्षण की मांग को लेकर कल से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे अवरोधा के अंदर, भरतपुर के अंदर भी हमारा ये मामला चल रहा है, और सैनी समाज के पूरे ज़िले भर से, राजस्थान के कोने कोने से, अपने अपने ज़िले के अंदर लोग काफ़ी संख्या में, कोई ज्ञापन दे रहा है, कोई धरना दे रहा है, और एक आरक्षण के मामले को लेकर हम पिछले कई सालों से लगे हुए हैं। सरकार के समक्ष हम कई बार अपनी मांग जो रख चुके हैं, हम केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि वर्तमान के अंदर जो हमारी 12% की मांग को लेकर हम जो आरक्षण के मामले पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो जाम लगा रहे हैं, इसको लेकर हमने कई बार 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 सरकार से आग्रह किया है, परंतु अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर जल्द इस दिशा के अंदर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आगामी हम एक रणनीतिक जो तौर पर बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, और इस ये महत्वपूर्ण हम निर्णय सब मिलकर लेंगे। और लगातार हमारी ये कोशिश है कि समाज के जो लोग हैं अभी जाग चुके हैं, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम इसी प्रकार से सड़कों पे उतर के संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि हम सब शांति प्रिय गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हम कोई गलत रास्ता ना अपनाएं, इससे पहले सरकार चेत जाए और एक हम हमारे हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे, क्योंकि बार बार हमने सबको आगाह किया है। और मैं हमारे 25 लोकसभा सांसद हैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि आप अपने लेटर पैड पे और ये लिख के दे केंद्र सरकार को, और लोकसभा के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया जाए, ताकि आप हमारे पक्ष में हमारी मांग रखें। नहीं, आने वाले समय के अंदर हम हमारे बहुमूल्य क्षेत्र के अंदर आपको घुसने भी नहीं देंगे, और हमारे जो भी क्षेत्रीय विधायक हैं, जो भी राजस्थान के विधायक हैं, उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि आप भी राजस्थान सरकार को अपने लेटर पैड पे लिख के इस मामले को अवगत करवाएं और लिखित में सारी बात उनको बताएं। अदरवाइज हम जो काफ़ी संख्या के अंदर जो समाज के लोग यहाँ रहते हैं, आने वाले समय के अंदर हम सब लोग इस मामले को लेकर एक कड़े रूप के अंदर है। हमारी जल्द से जल्द मांग को पूरी किया जाए। धन्यवाद।